बिहार में 33,916 शिक्षकों की होगी बहाली। मैथ और साइंस के होंगे 11,000 टीचर। नमस्कार, मैं संजू समीर चौपाल समाज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 33,916 शिक्षकों की बहाली करने का फैसला किया है। इस बहाली में मैथ, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, सोशल साइंस, द्वितीय भारतीय भाषा और कंप्यूटर विषयों के खाली पदों को भरा जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 32,916 शिक्षकों और 1,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। विभाग ने बताया कि 2,676 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 201 विद्यालयों में 5,000 माध्यमिक शिक्षकों के पद का सृजन किया गया है। विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि 2,475 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 2,950 माध्यमिक विद्यालयों यानी कि कुल 5,425 स्कूलों में 6-6 माध्यमिक शिक्षकों की पद सृजन किया गया है। इसके साथ ही द्वितीय भारतीय भाषा में माध्यमिक शिक्षकों और कंप्यूटर शिक्षकों के पद को भी सृजित किया गया है। शिक्षा विभाग ने बताया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 33,916 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें मैथ विषय के 5,425 और साइंस विषय के 5,425 शिक्षक होंगे, यानी कि दोनों विषयों को कुल मिलाकर 10,850 शिक्षक होंगे। इसके अलावा हिंदी विषय में 5,425, अंग्रेजी विषय में 5,425, सामाजिक विषय में 5,425 शिक्षक होंगे। इससे ज़्यादा द्वितीय भारतीय भाषा के 5,791 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी और सबसे कम 1,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। खबरों में बने रहने के लिए चौपाल समाज से जुड़े रहें और खबर अगर अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।